तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ नेशनल बाल भवन दिल्ली के। और ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी एक्टिविटीज़ वगैरह के मज़ा ले सकते हैं। तो क्या यहाँ की टिकट प्राइस है, टाइमिंग्स हैं, लोकेशन है, वो सारी जानकारी भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों हम आ गए राष्ट्रीय बाल भवन, नेशनल बाल भवन, और इसकी लोकेशन है कोटला मार्ग दिल्ली में। यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन आपको ITO का पड़ेगा, वहाँ से आप कैब लेकर यहाँ तक आ सकते हैं। और ये यहाँ का मेन एंट्री गेट है। यहाँ अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट काउंटर यहाँ सामने है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो टाइमिंग्स है 9:15 AM से लेकर 4:30 बजे तक है। ये संडे और मंडे को बंद रहेगा और गैजेटेड हॉलीडेज़ पर भी ये बंद रहेगा। लंच टाइम इसका लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और यहाँ पे लिखा है कि 16 साल से नीचे के बच्चे जो पेरेंट्स या गार्डियन के साथ है उनकी एंट्री फ्री रहेगी, और जो ऊपर के एडल्ट्स हैं उनकी 20 रुपये की एंट्री है। बाकी अंदर एक टॉय ट्रेन राइड भी है, उसमें जो बिलो 3 ईयर्स के बच्चे हैं उनके लिए फ्री टिकट रहेगी, और 16 एज से अबव के लिए 10 रुपये एक बच्चे के लिए रहेगी। और एडल्ट्स की टिकट जो 16 साल से ऊपर के हैं उनकी 30 रुपये पर पर्सन की टिकट है। यहाँ से टिकट लेनी होगी और फिर टिकट लेके ही आप अंदर जा पाएंगे। ये बाल भवन का एंट्री गेट है। एंट्री गेट के इस तरफ आपको पार्किंग दिख जाएगी। ये पार्किंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बाल भवन के अंदर जाना चाहते हैं, बाकी लोगों के लिए पार्किंग नहीं है, और पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगी। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, नेशनल चिल्ड्रन म्यूजियम के साथ लाइब्रेरी है, झूले वगैरह हैं, फ्लाइट सिमुलेटर है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, जादुई शीशे हैं, ट्रैफिक पार्क है, आर्मी टैंक है, एक्वेरियम है, टॉय ट्रेन है, मिनी जू है। तो धीरे धीरे करके आपको यहाँ की सारी चीज़ें एक एक करके दिखाता हूँ मैं। तो आज मेरे साथ बाल भवन आए हैं कौन? करण शक्ति व्लॉग्स। अच्छा, तो आपका नाम शक्ति है। तो इनका चैनल भी बहुत बढ़िया है, और इन दिल्ली NCR के रिलेटेड प्लेसेस और लाइफस्टाइल व्लॉग बहुत अच्छे बनाते हैं। तो इनके साथ अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं राष्ट्रीय बाल भवन। तो ये जो नेशनल बाल भवन है इसके अंदर GoPro अलाउड नहीं है। अगर आप एक बच्चे के साथ आ रहे हैं, स्कूल के साथ आ रहे हैं ग्रुप में, तो आप परमिशन लेके वहाँ साइड से GoPro या कोई ऐसा कैमरा यूज़ कर सकते हैं। बाकी मोबाइल फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में बच्चा दिखेगा, इसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। फिर पीछे ये जू है, यहाँ पे वाइट कबूतर, तोते वगैरह आपको दिख जाएंगे। मिट्टू गिची। इसका स्किल देखो कैसे ऊपर चढ़ रहा है। चल और एक और ऊपर। हाँ, बहुत बढ़िया। और ऊपर आ। बहुत बढ़िया। ये देखें कैसे खा रहे हैं टमाटर, संतरे वगैरह। वो देखें ले गया। अलग अलग किस्म के यहाँ पे पिजन है। देखिए, कभी ऐसा पिजन देखा है आपने? ब्राउन रंग का ये वाला। एंड गाइस, यहाँ पर देखो खरगोश देखने को मिलेगा। क्या बात है भाई, मोटू तो ये बंद गोभी खा रहा है ना, बंद गोभी और गाजरे। मोटू छोटू है काफी। पाजी कह रहे हैं मोटू छोटू। हाँ, वो देखो। वो एक तो वो भाई छुपे हुए हैं, बाकी तो यहाँ पर वाले खरगोश की मम्मी है, डर रहा है वो शायद इस वजह से। ऐसे काफी खरगोश है, एक येरा खरगोश, एक खरगोश हमारा येरा भाई। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं गिनी पिग्स भी है, चूहे जो मर्जी बोले है ना, हैमस्टर्स भी बोलते हैं। कितने अलग अलग रंग के हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर। देखो भाई मिनी जू के अंदर ये देखो कितने सारे, ये डक देखो पैदल चलने लग गया गाइस, वो चल रही, वो देखो क्या बात है भाई, कितनी प्यारी लग रही है। एक ये सबसे बड़ा पिंजरा ये है, उसके बाद यहाँ पे पिंजरा, यहाँ पे छोटे छोटे वाले तोते देखने को मिलेंगे, अलग अलग रंग के, लव बर्ड्स टाइप, कितने ज्यादा तोते हैं भाई। चिल्लाने रहे हैं, खुश हो रहे हैं, खेल रहे हैं वो, जैसे क्लास के अंदर आवाज आती है ना तुम्हारी, सेम ऐसी उनकी भी भाई का। नेशनल बाल भवन के एंट्री गेट पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये सामने ये भी है, पता नहीं क्या बनाया हुआ, नाम भूल गया मैं। आगे ये जेट भी है, टैंकर भी है, मगरमच्छ भी है, बड़ा स्टैचू ये वाला पत्थर का बनाया हुआ। और ये देखिए जेट है यहाँ पे, अजीत नाम से जेट, कितना बड़ा, अजीत फाइटर एयरक्राफ्ट, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ने बनाया था ये। और आगे इतना बड़ा टैंक भी है, देखिए और काफी ज्यादा हैवी टैंक है देखने को मिलेगा। ये देखिए कितना बड़ा मगरमच्छ। बच्चों के लिए काफी ज्यादा बढ़िया जगह है गाइस, काफी ज्यादा अच्छी जगह है, बच्चों के रिलेटेड तो काफी मजेदार चीज है। देखो जैसे छोटी ये मोर भी है, देखिए यहाँ पे सुंदर मोर बनाया हुआ है, दो दो। बाकी यहाँ पे सुवेनियर शॉप भी है, और इधर भी एक एरिया है, यहाँ भी आप फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। स्कूल के काफी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, वीकडेज पे भी दिख जाएंगे, वीकेंड पे भी काफी बच्चे दिख जाएंगे यहाँ पे। और इस तरफ यहाँ पे आपको रेलवे स्टेशन दिख जाएगा,
यहाँ से आप टॉय ट्रेन लेके पूरा का पूरा बाल भवन का चक्कर लगा सकते हैं। छोटी सी ट्रेन यहाँ से आपको मिलेगी, दिल्ली नाम है स्टेशन का। ये देख रहे हैं ट्रैक अभी उस तरफ गई है, वो जा रही ट्रेन। यहाँ से भी ट्रेन पकड़ने वाले हैं जितने भी बच्चे हैं। क्या बात है, तो ये आ गई दिल्ली की ट्रेन। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इसके ऊपर बैठने के लिए आपको टिकट लेनी जरूरी होगी। दिख रहा है यहाँ पर शक्ति भाई, ट्रेन चल चुकी है, अब हम जाने वाले हैं हरियाणा। हरियाणा जाना है, चलो भाई जाओ। गाइस ये जो ट्रेन राइड है ये बेस्ट अट्रैक्शन है बाल भवन की, और ये करे बगैर आप जा नहीं सकते हैं। एक और एरिया है यहाँ पे, यहाँ भी फोटो क्लिक करवा सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से ट्रेन चल रही। अच्छे बच्चे कैसे, मुंह पे उंगली कैसे, ऐसे बेटा ऐसे। भाई साहब वाकई में भाई नहीं सिखाया फिर भी पता है, देख लो भाई साहब बच्चों को। हमारे साथ तो बचपन में बहुत हुआ था भाई। ये टनल आ गया तो लक्ष्मीदीप के नीचे से गुजरते हुए हम। टनल आ चुका है, स्विमिंग पूल टाइप भी यहाँ पे है, बट अभी वो देखिए ब्रिज आया हुआ है ना, ब्रिज आया हुआ, देखिए पानी नहीं भरा हुआ इसमें, ब्रिज आया हुआ। एक और ब्रिज आया, ये आ गया दिल्ली स्टेशन। राष्ट्रीय बाल भवन या फाउंटेन सा बनाया हुआ, और यहाँ पे सामने आपको जवाहर एक्वेरियम दिख जाएगा, अलग अलग मछलियाँ वगैरह देख पाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं हम। यह है जवाहर मछली घर, मछली घर भी बोलते हैं एक्वेरियम को, हिंदी में नाम है। ऑक्टोपस देखिए कैसा बनाया हुआ। इनमें जो सूर्य फ्रॉम द 13th सेंचुरी सन टेम्पल एट कोनक उड़ीसा, तो ये मछली घर है। गप्पी मछली, छोटी छोटी, सबसे छोटी छोटी मछलियाँ गप्पी नाम से, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ। फिर आ गया गुरामी नाम से मछली, कोने पर दिख कैसे डरती नहीं है। फिर आ गया एंजल फिश, ये भी छोटी छोटी छोटी, बहुत छोटी 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 छोटी। वो देखिए गोल्ड फिश आ गई, गोल्ड फिश ये बड़ी सुंदर लग रही है, सबसे बड़ी वाली गोल्ड फिश ही है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसकी टेल कितनी प्यारी है देखिए। फिर है टाइगर फार्म मछली, ये भी गोल्ड फिश के रंग की है बट छोटी छोटी हैं थोड़ी। और इसके बाद यहाँ पे माली मछली, मौली, ये भी छोटी छोटी मछलियाँ। यहाँ पे है शार्क मछली आ गई, ये देखिए कितनी बड़ी शार्क, डर गए सारे डर गए शार्क नहीं देखने। वाओ साइज देखिए कितना बड़ा है शार्क, बहुत बड़ी बड़ी शार्क हैं इनके पास। मुंह खोलियो अपना, दांत दिखाइयो, नहीं दिखाएगी। और ये देखिए कैसी मछली है, ऑस्कर नाम से, ऑस्कर मछली। ये रही ऑस्कर, सो रही थी अभी, उठ गई। ये देखिए कैसे सो गई यहाँ पे कोने पे ऑस्कर मछली।
ये वाली है जो आपके सामने गाइस एंजल फिश है, इसीलिए इसका नाम एंजल फिश है। और यहाँ आगे भाला शार्क, जब शार्क है और यहाँ पे सिल्वर शार्क देखने को मिल जाएगी। वाह, सिल्वर रंग की शार्क है, सिल्वर रंग की हैमर हेड शार्क भी देखिए, इसका मुंह कैसा सा। वाह, और गाइस ये देख सकते हैं सामने आप बहुत वैरायटी की मछलियां हैं। फिर यहाँ आ गया है कोई का, आपको शायद गोल्डन टेम्पल के सरोवर में दिख जाएंगी है। बंगला साहब के सरोवर में शायद ये वाली दिखती थी मछली, गोल्डन रंग की, इतनी प्यारी प्यारी हैं। मेरे कैसे पानी दे रही है, ये देखिए काफ़ी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। यह मेखला झा ऑडिटोरियम स्टेज एरिया भी बनाया हुआ है, स्टेज एरिया, इधर कैंटीन भी है ऊपर। ये देखो ये है यहाँ पर कैंटीन, और यहाँ पर आपको बर्गर, सैंडविच, इसके अलावा वेफर्स वगैरह मिल जाएंगे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब जो भी आपकी डेली एसेंशियल, मतलब जो आप लोग खाते हो अपने स्कूल की कैंटीन में, वही सारी चीज़ें आपको। चलो ठीक है, थैंक यू आंटी। कितने का था बर्गर? 50 का। और ये सैंडविच? सैंडविच 30-40 रुपये के हैं। पनीर और उसमें काफ़ी वैरायटी की चीज़ें हैं जो आप यहाँ खा पी पाएंगे, पानी की बोतल सब मिल जाएगी यहाँ पर। और इसके साथ में यहाँ पे बाल पुस्तकालय है, बाल पुस्तकालय लाइब्रेरी, चलिए लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। तो ये लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी, आराम से बैठ के काफ़ी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी ट्रैवल्स के रिलेटेड काफ़ी वैरायटी की यहाँ पे बुक्स हैं। बीड वर्क, स्मार्टी की दुनिया, ये मोगली की हैं, टिंकल वेल भी हैं, बायोग्राफी वगैरह स्टडीज़ के रिलेटेड भी आपको दिख जाएंगी आपकी काफ़ी किताबें, हिस्ट्री वगैरह। और इस लाइब्रेरी में आपको वहाँ साइड पे किड्स कॉर्नर पे दिख जाएगा, उस कॉर्नर पे किड्स कॉर्नर, यहाँ पे आपको वुडन पार्क भी देखने को मिल जाएगा, सब कुछ लकड़ी का बना, जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन टाइप होता है ना, मतलब वो तो रॉक से बना होता है बट ये वाला वुडन से बना हुआ है, मतलब स्टार्टिंग की जो चीज़ है ये वाली रॉक से बनी हुई है। और यहाँ पे बाकी वुडन से बनी हुई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, पार्क सा बनाया हुआ उन्होंने, ये देखिए डक सी बनाई हुई है, और भी यहाँ पर 2-3 जानवर अंदर बने हुए हैं छोटे। अच्छा, डक और ये हिरन सा बना हुआ है, डक और हिरन बना हुआ लग रहा है, बाकी ये देख सकते हो ये रैबिट भी है इस तरफ। यहाँ पर काम चल रहा है थोड़ा सा पार्क का, ये डक्स पैसे बनाए हुए इन्होंने। कैसा मुंह है डक का, ये बड़ी वाली बतख भी है बीच में, मोर लग रहा है मेरे को। और कैसे कैसे बनाया है उन्होंने एनिमल्स है इसके साथ, वुडन आइटम के साथ, आगे तक आपको दिख जाएगा ये। ये दोस्तों एक ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क भी है, ये ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर आपको समझाएगा, रोड साइंस के बारे में समझाएगा आपको, अलग अलग रोड साइन पीछे लिखे हुए हैं, रोड साइंस, ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क, बहुत बढ़िया बनाया है, मतलब गाड़ी वगैरह सीखना टाइप नहीं है यहाँ पे, आप ऐसे डिस्प्ले के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए है ये। अब हम आ गए हैं बास्केटबॉल कोर्ट के एरिया में, बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, देखिए बास्केटबॉल काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और आगे यहाँ साइंस पार्क भी है, साइंस पार्क दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पे आउटडोर जिम बनाया हुआ है साइंस पार्क के। ओए काली बिल्ली, आराम से, ओए आराम से भाई, आराम से लग जाएगी, सर लगेगा शक्ति नीचे भाई, मान जा यार, मानता क्यों नहीं है तू प्रभा, ओ भाई रुक जा भाई, लग जाएगी चोट लग जाएगी, पैंट फट जाएगी, ध्यान से देखते हैं ऐसे पूरा तेज तेज सर हिला स्लोमो में, तभी अच्छा लगेगा। यहाँ पे NBB स्पोर्ट्स सेंटर भी है, खेल केंद्र, और यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अवेलेबल हैं, बैडमिंटन, चेस, कैरम, जिम, जूडो, आउटडोर जिम, रोलर स्केटिंग भी है, शूटिंग भी है, काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में बच्चे खेल सकते हैं। अब ये यहाँ पर पोर्शन, ये सारा का सारा साइंस पार्क है, अभी अंदर चल के देखते हैं कि साइंस पार्क के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले देख सकते हैं इतनी कैसे यूनिक झूले लगे हुए हैं, ये कैसा सा झूला है ना, कुछ होता होगा, समझ नहीं आ रहा भाई, मैं भी देख रहा हूं, हां कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, हां इसलिए पूरा नहीं है शायद मेरे कुछ होता है ना। यह तारामंडल अनुभाग एस्ट्रोनॉमी, अभी ये बंद पड़ा, पता नहीं कब खुलेगा ये, एस्ट्रोनॉमी का
एरिया बनाया हुआ इन्होंने। तो ये यहाँ पे रिवॉल्विंग डिस्क भी है, घूमता चक्का, इसके ऊपर ये खड़े हो के कह रहा था पहले करेगा, बट अभी कह रहा है कि नहीं करना है। मैंने थोड़ा डर लग रहा है इसको, इफ गिर ना जाऊँ मैं इसमें, ऐसे ऐसे जो भी भागेगा ना इस तरफ तो ये गोल गोल घूमेगा। और ऐसे यहाँ पे बाकी कई स्प्रिंग्स हैं, और ओए ये ध्यान से करियो गिर ना जाइयो, ये देखिए। वाह, ऐसे तो चिल्ड्रन पार्क में भी नहीं था झूला ना। ये क्या, इसका नाम है आर्किमिडीज स्कूल। ओए आराम से, ओए ओए, बाकी यहाँ स्विंग है देखिए बच्चों के। बड़ा वाला स्विंग भी है और ये स्लाइड भी है यहाँ पे। स्लाइड कितने सुंदर लगे हैं, सीधा आगे इसके अंदर ही जाएगा बस। और इधर ये भी है सीसो, और बाकी ये जीरो काटा खेल सकते हैं। जीरो काटा खेलने के लिए एरिया बनाई हुई है। छोटा वाला स्विंग भी है यहाँ पे, डबल सीसो भी है, डबल सीसो। ये बायनोकुलर विजन भी है, दिविनी तोत्री दृष्टि। क्या है इसके अंदर, क्या दिख रहा है, कुछ पता नहीं क्या है इसके अंदर। ये और भी एरिया बनाई हुई बच्चों के लिए, और ये मैजिक साउंड नाम से भी है। साइंटिफिक चीज़ें हैं काफ़ी यहाँ पे, ये कमांडो नेट टाइप बनाया बच्चों के लिए। और इसके अलावा ये भी एक एरिया है, पकड़ पकड़ के बच्चे इसको क्रॉस कर सकते हैं, पैर रख रख के। मैं ही करता हूँ, सिर बचा के बस। ये दूसरा जेट भी है यहाँ पे, लड़ाकू विमान नेट GN80 फाइटर, शायद वही वाला है ये। सो गाइस, ये था आज का पूरा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना, एंड कमेंट के अंदर ज़रूर बढ़िया बढ़िया से कमेंट करना और बताना कि आप यहाँ पर विजिट करने वाले हो या नहीं वाले हो। बाकी यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो।